करनाल के निसिंग के अंगोद गांव में एक युवक सचिन शर्मा द्वारा लेन देन को लेकर सुसाइड करने का मामला सामने आया है। युवक ने 19 फरवरी को पैसे के लेन देन को लेकर जहरीला पदार्थ खा लिया था। उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया था, जहां पर उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने आज निसिंग थाने के सामने जाम लगाया और निसिंग थाने के SHO और IO के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांव ओंगत के ग्रामीणों ने मृतक युवक के दर्ज बयान बदलने का थाना पुलिस पर आरोप लगाते हुए थाने के सामने धरने पर बैठे पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर बवाल काटा। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस के जांच अधिकारी ने आरोपी से मिलीभगत कर 26 वर्षीय मृतक सचिन के दर्ज बयान के साथ एक प्लेन पेपर पर हस्ताक्षर करवा उसे बदल दिया और पुलिस जांच अधिकारी ने उसे प्लेन पेपर पर आरोपी को थाने में बुलाकर उसके साथ मिलीभगत कर अपनी मर्जी से बयान दर्ज कर दिए, जिस कारण ग्रामीण भड़क गए और शनिवार को हस्ताक्षर वाला प्लेन पेपर देने व दर्ज बयान बदलने का आरोप लगाते हुए थाना पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। DSP असन दलवीर सिंह ने थाने में पहुंच ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर अड़े रहे और उन्होंने मृतक के शव को पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया। इसके बाद ग्रामीणों ने करीब 1 बजे थाने के सामने करनाल कैथल रोड जाम कर दिया और थाना पुलिस चोर है के नारे लगाने लगे। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मृतक सचिन के बैग से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने कैथल जिले के चंदलाना निवासी एक युवक के साथ बच्चों को बाहर भेजने के एवज में करीब 35 से 40 लाख रुपए का लेन देन था, लेकिन उसे उसके रुपए ना मिलने से वह काफी दिनों से परेशान रहता था। जिन लोगों से मृतक सचिन से रुपए लिए थे, वे लोग उससे अपने रुपए मांगने आते थे, लेकिन चंदलाना निवासी उसे पैसे नहीं दे रहा था और धमकी देता था जो करना है वह कर ले, जिस कारण उसने जहर निगलकर आत्महत्या कर ली। जाम की सूचना पाकर DSP दलवीर सिंह मौके पर पहुंचे और पुलिस जांच अधिकारी के फोन की कॉल डिटेल व अन्य आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके और परिजनों ने दिए मृतक युवक के सुसाइड नोट सहित अन्य की जांच कर मामला CIA को सौंपने का आश्वासन दिया है। उन्होंने ग्रामीणों व परिजनों से ये भी आश्वासन दिया है कि जांच में पुलिस कर्मचारी सहित अन्य कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद ग्रामीण शांत हुए। निसिंग से संवाददाता अशोक वर्मा की रिपोर्ट। जो भी मतलब वो पॉइजन लिया था, उसके बाद हम उनको यहाँ लेके आए, उन्होंने करनाल रेफर कर दिया। उनकी तबीयत ठीक होगी थी कुछ, ठीक है, डॉक्टर मतलब उस टाइम छुट्टी नहीं करी थी, तो उस टाइम ये IO साहब वहाँ गए, ये बोले भाई क्या मैटर था बोलो, ठीक है, तो हम बोले जी पूछ लो इनको, तो उन्होंने बोला भाई मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, मेरे साथ हाँ जी बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है, मेरे साथ धोखा हुआ है, तो कम से कम भाई मैंने किसी के मैंने भाई डॉक्यूमेंट बनवाए थे बच्चों के, मैं IELTS ट्रेनर हूँ, ये बोला उन्होंने कि भाई 4.5 लाख के हिसाब से पर्सन के हिसाब से मेरे साथ बात हुई, ठीक है, तो मैंने उसको काम दे दिया, ठीक है, तो जी वो मतलब उन्होंने बोला भाई मैंने उनको 8-7 काम दिए, 35 से 40 लाख रुपए का मतलब हिसाब किताब था, तो वो उन्होंने बोला जो डॉक्यूमेंट मैं बनाऊंगा उनकी जिम्मेवारी मैं लूंगा, भाई उनको अगर कोई इनमें कोई दिक्कत हो गई है या इनकी वजह से तेरा काम ना बनता हो तो मैं सारे पैसे तेरे को वापस कर दूंगा, ठीक है, तो उन्होंने किसी ने काम भाई मान लो किसी बच्चे ने काम करा के देखा होगा तो वो बोले भाई इनका ये तो फ्रॉड है डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट फ्रॉड होने की वजह से भाई उसका काम नहीं हुआ, तो उसने उसको फ़ोन किया होगा विकास वाले विकास चंदलाना को, वो बोला भाई इनके पैसे दे, वो बोला मैंने तो तेरे को यही बोला था भाई यही दूंगा मैं, तो वो बोला भाई इतना भाई इतने इतने पैसे दे के फ्रॉड डॉक्यूमेंट कौन लेगा, ठीक है, वो बोला जो आपने करना है कर लो, मैं नहीं देता पैसे, ठीक है, तो हाँ जी, तो IO साहब ने वो लिखा, लिख के IO साहब बोले भाई इस पे तुम्हारे पास तेरे पे भी कार्रवाई हो सका है सुसाइड केस की वजह से, सुसाइड की वजह से आप पे भी धारा लग सकती है, तो ये सर द्रप्ती ज्यादा उसने सुसाइड कर लिया था। क्या नाम था जिनका? सचिन कुमार जी। जी ये वहाँ बयान लेने गया, इसने उसको 2 पेपरों पर दस्तक करवा लिए, कोरे पे प्लेन पेपर पे जी, और IO का नाम करमवीर है जी, परमजीत जी, और SHO साहब के सामने मान भी लिया, अभी 2 पेपर पर करवाए थे, एक पर बता दो विकास कुमार चंदलाना से है जो कि मेरा 40-45 लाख का लेने देने था, और विकास था जी उसको तो इन्हें पैड के फेंक दिया जी, जो कोरे कागज़ पर दस्तक करवा रखे थे उस पर इन्हें एप्लीकेशन अपने आप वो लिख ली जी, उसके नीचे दस्तक हो रहे थे भाई ये तो मैंने घर जो दवाई रखी थी वो पी है, जबकि उसने जहर खाया जी, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी है यार वहाँ भी
कब का मामला है जी? ये 19 तारीख का मामला है जी। एक्सपायर कब हुए जी? एक्सपायर कल हुआ है जी, वो शाम को। आईओ परमजीत ने की ये चीज? हाँ जी, सामने मान लीजिए 50 आदमियों के सामने मान के गलती होगी, मैंने पेट फाड़ दिया, गलती होगी मुझे उनकी। जिस टाइम उन्होंने, तो आप लोगों को क्या मांगा इस टाइम? मांग के लिए जो ओरिजिनल कार्रवाई हो जी, बिल्कुल जो पैसों का लेन देन है जी, उनका फोन। अच्छा, इसने एफ आई आर में विकास का कोई नाम नहीं लिख रखा, जबकि यहाँ से चंदलाना से यहाँ पंचायती ने बुला ली और उस पंचायत का मेरे पे, मैं चंडीगढ़ से आने लगा, मेरे पे फोन करवाया भी ऐसे ऐसे करके, आप ये मैटर है और उसने वो कर लिया भी, आप इसको करवाओ। मैं बोला जी कोई बात नहीं, मैं आने लग रहा, मना भी पता लगे, मैं बात करके और इसको नमटवा दूंगा अगर सही रहा। जब उन्होंने उसके खिलाफ बयान नहीं दिया तो इन्हें चंदलाना वाले क्यों बुलाए जी परमजीत ने, जब उन्होंने कोई मैटर ही नहीं था और मान भी गए खुद उन्होंने फोन करवा दिया भी, वो पेज दे रहे हैं कभी मतलब कह रहे हैं भी पेज देंगे लगाएंगे, यही है जी चंदलाना वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उसकी गिरफ्तारी हो जी, उसके बाद हम कोई भी काम करेंगे। तो पुलिस पुलिस क्या कह रही है? परमजीत के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जी। पुलिस पुलिस क्या कह रही है इस मामले? पुलिस तो कह रही है हम आपके बयान लिख लेते हैं, बयान लिखने के बाद हम कर देंगे, पर बयान की क्या बात होगी जी? उसमें एफआईआर जो पहला पेज है वो क्यों नहीं लगा रहे, जो कि उन्हें 50 आदमी मान्य बीमार पेज था हमने पाट दिया, बयान बदल गए। प्रकाश जी से हम बात करते हैं जी, क्या हुआ था सर? सर ये अपना जो था ना, यहाँ से पुलिस वाला गया, उसने जाके सचिन के बयान लिए, बयान लेके और उसने सचिन ने बयान दिए कि विकास चंदलाने गांव का फादर नेम में जानता नहीं उसका, मेरे साथ 35-40 लाख का मतलब फ्रॉड किया, मेरे को डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना कर दे दिए, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट चल रहे नहीं, जिनके डॉक्यूमेंट थे वो इसके बारे में आने लगे, रोज़ की रोज तंग लग गए, परेशान हो गया, इसके बारे में गया बोले भैया मैं किसी के पैसे दे नहीं करता, तो उसने विकास के नाम या इसके पुलिस वाले के सामने मतलब ये सारी बातें खोल दी हैं, नीचे पुलिस वाले ने साइन करवा लिए, तो एक कोरे कागज पर बोले इस पर साइन कर दे सचिन, और इस पर मैंने जरूरत पड़ेगी। कोरे कागज पे भी साइन लिए? हाँ, कोरे कागज पे साइन लिए। अच्छा जी। और मेरे को बोला कि सचिन ऐसा है, अगर मान ले तू कल है बच गया ना, तेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो सके, अभी तूने सुसाइड क्यों करने की कोशिश करी? खाली पेज पे साइन करो। हाँ, खाली पेज पे साइन लिया, उस पर अपने आप लिख दिया कोई जो यहाँ से पुलिस वाला गया था। हाँ, उसने सचिन को डराया धमकाया, कोरे कागज पे साइन लिए, कोरे कागज पे साइन लिए जी। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद आ गया वो, फिर कार में ले गया मेरे साथ, वो बोला अच्छा। भी थाने में आएगा, बैठ कर बात कर लेंगे, और मैंने थोड़ा बहुत इतनी दूर था पेट्रोल का पानी का खर्चा दे, मैंने 500 रुपये फिर उसका दिए। किसको? उसी को जो पुलिस वाला गया। क्या नाम था उसका? नाम तो यार परमजीत, क्या नाम है नाम? आपसे पैसे मांगे उसने? हाँ, वो खर्चा दे नहीं सर, उस टाइम तो पता ही नहीं था, हमने आप सच्चाई के अभी दिखा दिया था उसको, लेकिन भाई को धमकाया भी 182 में तेरी कार्रवाई करेंगे, ये उसकी जेब से मिला है? नहीं नहीं सर, उसके कागज वहाँ पड़े था डायरी में जी, बाद में मन नहीं पता था जी, मैं इसका भाई हूँ जो, ठीक है जी, इन्होंने कल शाम एक्सपायर हुआ, मुझे नहीं पता था जी, ये बोले कर ठीक है, एक तो तुम जा कर आ, मेरा बिल्कुल कच्ची हुई थी, मैं गया तो उसका बैग पड़े था, मैंने कहा मगर चल कागज नहीं पड़े, उसके बैग में यूँ मिले नहीं सर, मैंने फोन करें मगर यूँ ही पाया गया सर। जो और भी आप अपने बयान लगाओ, मत पहले बयान करके हम 9:30 बजे थाने पहुंचे, बोले इस पर दस्तक कर दिया, हमने तो बयान भी सारे लिख दिए अपनी मर्जी से, बयान लिख लिए मारे किसी आदमी से, अगर वो करे हम पूरे ब्राह्मण समाज मंदिर बनने के लिए तैयार है, नंबर पर फोन करो भाई आप आओ अपने बयान लिखवाओ, अपने आप बयान लिख दिए,
तो पुलिस आपकी सुनवाई नहीं करी, अगला कदम क्या होगा? पुलिस वालों की मिलीभगत है जी, पुलिस वालों जिनका बंदा मरा उनको तो बुलाया नहीं, दूसरी पार्टी का को बुला रखा, पहले थाने में बुलाकर उनसे सेटिंग की। इस एफआईआर में उसका कोई नाम नहीं है, जो एफआईआर लिख रखी है उसमें उसका नाम भी नहीं है, जब उसमें एफआईआर में उसका नाम ही नहीं है तो उसको थाने में क्यों बुलाया गया? तो आपका अगला कदम क्या है? अगला जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा हम संस्कार नहीं करेंगे। हम लोग ने क्या किया, एक रफ पेपर के ऊपर साइन लगवा लिए, ठीक है, जो उसका ओरिजिनल था वो तो इन्होंने दबा लिया, ठीक है, और जो वो डुप्लीकेट था जिसपे साइन और थे इन उस पे आने इन्होंने अपने अल्फाज जो भी बयान थे अपनी तरफ से वो बयान लिख के वो आगे पेश कर दिए, उसी के उसमें बे ऐप उन्होंने पर्चा दर्ज कराया। अधिकारी का क्या नाम है? अधिकारी का क्या नाम? परमजीत कुमार। परमजीत ने तो पता क्या था जी, उसमें है ना जैसे कि रिपोर्ट में तो आया अभी पोजिशन से डेथ हुई है, और तो ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने जो बयान ले रखा है उसमें कह रहे हैं कि वो तो सर की पेन किलर लेके तो उसकी वजह से उसकी डेथ हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दो तीन हॉस्पिटल की रिपोर्ट है कि भी वो पोजिशन से उसकी डेथ हुई है। उसने मामला था जी, लड़के सुसाइड कर लिया दबाव में आकर। लड़के का क्या नाम है? सचिन कुमार। कितनी उम्र है? 27 साल। कौन से गांव से हो? ओंगद गांव। दबाव कैसा था? दबाव उसने उस जो लड़का दूसरा है ना उसको 40 लाख रुपया दे रखा था कागजों का, चंद लाने वाले को। क्या नाम है उसका? उसका विकास। क्या काम करते थे? ये फर्जी वो बना दी उसने, डॉक्यूमेंट्स बनाता विदेश भेजने के। हाँ जी। कितने पैसों का मामला है? 40 लाख का जी। 40 लाख का तो क्या बोल रहा था वो? क्या जब मारा घंटा ले लिए नुका भाई, हम पैसे नहीं देते, पैसे नहीं देते, हम तुम्हारे पैसे नहीं देंगे। नाम क्या है? विकास। विकास। और आपने चंदलाना गांव से? चंदलाना गांव से। तो उसने 40 लाख देने से इनकार कर दिया? इनकार कर दिया। इसकी एवेज में इसने गांव में आके प्रेशर में आके सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया बच्चा। आपका जाम लगाने का क्या कारण रहा? जाम जो कार्रवाई इन्होंने पहले पेपर लिए थे जो वो फाड़ दिए हैं, और दूसरे पेपर इन्होंने डॉक्यूमेंट जाली बना दिए हैं यहाँ पे थाने। जैसे इन्होंने कब कहा था, इन्होंने सुसाइड का प्रयास कब किया था? सच्चाई गल दसो। सच्चाई है जाम लगा दिया। ओंगद गांव से है सचिन शर्मा जी है, और उन्होंने कोई पैसे का लेन देन था किसी के साथ, उससे तंग आकर उसने एक जहरीली दवाई खाई है, और जिस पर अभी उनको एक सुसाइड नोट पेश किया है मेरे, और उस पर केस रजिस्टर कर रहे हैं, जिन जिनके नाम है उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे हैं। क्या है सुसाइड नोट में? सुसाइड नोट में अभी पेश किया है, उसमें 3-4 के नाम दे रखे हैं, इनकी वजह से इन्होंने नकली फेक आईडी तैयार करके कुछ आईलेट्स वगैरह पेपर तैयार करे हैं, और जिसकी वजह से परेशान होकर इसने ये किया। कब का मामला है सर ये? 19 तारीख की एडमिट हुए थे और कल रात को उनकी डेथ हुई है। तो इसमें आज कई आरोप लगाए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन के, उसमें जो भी आरोप लगाए अगर किसी से कॉल डिटेल में बात किस किस से करिए, किस वजह से करिए, और जो अगर उसमें पुलिस कर्मचारी या अधिकारी कोई भी आया दोषी पाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabre paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like share and subscribe kare. dhanyawad.